अरे लड़के की फोटो भेज दी तुमने लड़की वालों को? हाँ। अरे वाह। हेलो सर, मैं जय बात कर रहा हूँ, आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर जी मेरी बारात करा दो। अरे टेंशन कतई मत लो, मुझे लगता है तुम्हारे लिए जो लड़की बनी है वो मेरे ही पास है। अच्छा अच्छा, तभी तो अपना को मिल नहीं रही है, ये हरामी रख के बैठा। अरे मेरा मतलब है उसकी फोटो है मेरे पास। सोनू फिर पक्का इसके पास वीडियो भी होगी। चाचा तेरा दिमाग ठीक है? नहीं दबा चल रही है, जहर खा ज्यादा असर करेगा। अरे माना तुम अपनी बहू की फोटो भेजी है तो देखियो इससे बदल कर नहीं मिल जाएगी। अरे तुम्हारे अंदर मैं कह रहा हूँ शर्म की बहुत कमी है। पक्का होगी, तभी मेरे सुबह को यार पैर ऐठा है। अरे तुम्हारी बीबी क्या करती है यार? मेरी बीबी बिजनेस वुमन है। हटा सोनू, इसकी तो खुद बहुत धंधे वाली। इसमें ताला मार दो, ताला मार दो इस दुकान में, चल लो। ये क्या साइंटिस्ट बनोगे रे तुम लोग हैं? ये क्या कर रहे हो तुम? AI न्यूरोलिक डिजाइन मशीन बना के तुमसे एक गोली ना बनाई जा रही जिसे खाने के बाद साला 10-15 दिन तक भूख ही ना लगे, कोई रोटी ही ना मांगे हैं? हम औरतों की जिंदगी आधी किचन में निकल चुकी है, हम बेलते बेलते आटा गूंथते गूंथते हमारी किस्मत के साथ हाथ की लकीरें भी मिट चुकी है। मेरे भाई कुछ ऐसा डिजाइन कर, ऐसी गोली जैसे खा के साला कोई रोटी ना मांगे, बोले हम सब पेट भरा है कोई खाना नहीं खाएगा 15 दिन तक। ठीक है, ये जो लोग पापी पेट के लिए पाप करते फिरते हैं वो भी बंद हो जाएगा सारा पाप, रोटी बनाने का झंझट ही खत्म, साला कोई खा ही नहीं रहा, बैठे रहो सब, मेहमान आ रहे हैं गोली खिला दो। इतना अच्छा आइडिया कौन दे सकता है? उस गोली का नाम रखना है वीना नेगी द अल्टीमेट प्रो मैक्स गोली। पता है आजकल के जो इंडियन हस्बैंड है ना, अगर वो अपनी वाइफ के लिए कार का दरवाजा खोल रहे हैं ना, या तो उनकी कार नहीं है या फिर उनकी वाइफ नहीं है, है ना? या हो सकता है वो उसकी वाइफ ही नहीं है। क्या कहा तुमने? ये घूम फिर के जो तुम्हारा छिछोरा दिमाग है ना, बातों में झलक ही जाता है, ढंग की बात नहीं आती तुमसे करने। अरे यार तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा था, इसमें मैंने क्या कह दिया तुम्हें? नहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू है तुम्हारा, दूसरों की वाइफ के लिए तुम दरवाजा खोलोगे है? मेरे लिए तो कभी नहीं खोला है तुमने आज तक। वही तो मैं कह रही हूँ, दिमाग में तुम्हारी भूसा यही तो भरा हुआ है, गंदगी जो भरी हुई है ये निकल कर आती है ना बातों में, खा लो इसे, खा लो तुम। जिनके पति रात को जल्दी सोते हैं उन्हें सैया कहते हैं, जिनके पति रात को देर से पी कर घर आते हैं उन्हें पिया कहते हैं, और जो पत्नी दिन में सज धज कर पति के घर आने का इंतज़ार करती है उनके पति को सजना कहते हैं। जिन पतियों की पत्नियों के डर से आंखें नम रहती हैं उन्हें सनम कहते हैं, जो पति कभी कभी नौकरी के कारण घर आकर दर्शन दें उन्हें परमेश्वर कहते हैं, और जो सुबह शाम बेलन खाकर माँ माँ चिल्लाए उसे बलमा कहते हैं।